जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं उनके बारे में बात करूंगा जिनका मार्क्स बिलो 145 है इस साल। ओके, यानी जिनका मार्क्स 145 से कम है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जिनको सीट मिलेगा उनसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकता है। ओके, ये मैं प्रूफ दिख रहा हूँ कि आप उनसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, अगर आप इस साल गवर्नमेंट में अगर आपका एडमिशन हो रहा है, सपोज करो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो आपका जो सीजन स्टार्ट होगा, सेशन वो कब से स्टार्ट होगा, आपका सेशन स्टार्ट होगा 2022 से। ओके, तो कम से कम 22 से 24 जाएगा और 6 मंथ का एंट्रेंस सिम समझो तो कितना हो गया, साढ़े 24 तक आपका जो कम्प्लीट होगा वो क्या 2024 की मिडिल में। लेकिन अगर आप अभी तो ठीक है, ये एक समझ की अगर आप प्राइवेट से करते हो तो क्या होगा, आपका पता है 2020 वाले का भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप 2020 से भी एडमिशन ले सकते हो। अभी चल रहा है 2020 के रजिस्ट्रेशन से अभी आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, और 2021 से भी ले सकते हो, तो 2 साल का आप मार्जिन ले रहे हो, तो पता है 2 साल में कितना वैकेंसी आया है और आएगा ही। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अभी जो पैरामेडिकल में वैकेंसी हर स्टेट में आ रहा है। लगभग एक साल में तो 50 to 60,000 वैकेंसी आ ही रहा है हर स्टेट में आ रहा है। बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, जो भी स्टेट हो, आप इंडिया के कोई भी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो देखो इसमें होगा कि ऐसा फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हो। अगर आप 2 साल पहले उनसे कोर्स कंप्लीट करते हो, एक साल ही मैं मानता हूँ, एक साल में कितना वैकेंसी आता है, अगर 30,000 मानता हूँ मैं हर एक स्टेट का, कितना वैकेंसी हो गया। ठीक है, तो एक ये फ़ायदा हो गया। और उनका सीजन जब खत्म कंप्लीट होगा उनसे 2 साल पहले, तो आप 2 साल अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलना है ना, तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस बंदा कहलाओगे। ठीक है, तो कोई जॉब अगर आप जाते हो इंटरव्यू या कोई भी है ना जॉब के लिए, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहले एक्सपीरियंस वाले का ज़्यादा डिमांड होगा कोई भी क्षेत्र में हो। तो आप आपके पास अगर इस साल प्राइवेट से भी करते हो ना, तो जॉब लेने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो जो पता है ना 2-3 साल के बाद इतना वैकेंसी नहीं आएगा गवर्नमेंट में, आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या, इवन प्राइवेट में भी इतना वैकेंसी नहीं आएगा। तो जो स्टूडेंट जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट करेगा उसको उतना जल्दी कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट क्या बोलते हैं गवर्नमेंट में जॉब मिलने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगा, और प्राइवेट में भी। ठीक है, तो आप जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट कर सकते हो उतना जल्दी आपके पास उतना ज़्यादा चांस होगा कि आप सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब ले सको। जितना लेट होगा क्या होगा, सीट फिल होता जाएगा, उसके बाद चांस बहुत कम मिलेगा, क्योंकि सब जगह सीट फुल हो गया तो मिलेगा कहां से जॉब। ठीक है, तो यही रीजन मैं बोल रहा हूं, अगर आप प्राइवेट से भी कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आप प्राइवेट से भी कर सकते हो, आपके पास अच्छा मौका है। गवर्नमेंट की देखो दोनों में कोई अंतर नहीं, सिर्फ फीस का अंतर है। ठीक है, लेकिन ये मैं बोल दूंगा अगर आप बायो से 12th कर रखे हो तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि यू मस्ट हैव है ना क्लियर 12th विद बायो। ओके, यानी कि 12th आपके बायो में होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको करना है क्या, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।